गुड इवनिंग गाइस, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार आप खाना वाना नहीं खा गया है। इंट्रोडक्शन टू सीसीएनपी स्विच, यही पढ़ना है हमने, यही मॉड्यूल है हमारा। नंबर क्या बता देता हूँ यार, अभी एग्जाम डिस्क्रिप्शन, एग्जाम नंबर है 300-115, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक क्या है, कॉन्फिगर एंड वेरीफाई स्विच एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम टेम्पलेट्स, मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल, ट्रबल शूटिंग एरर, डिसेबल रिकवरी। ये तीनों टर्म्स आपके लिए नहीं है, बीच वाले टर्म छोड़ के। यस और नो? एसडीएम आपने नहीं पढ़ा कभी, क्या होता है? कभी नहीं पढ़ा ना? अरे पढ़ा देंगे, ये चिंता मत करो। आप सिर्फ ये बताओ आपने मैक एड्रेस टेबल के बारे में सुना, मैनेज कैसे करते हैं मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। एरर डिसेबल के बारे में सुना, यू सुना ना ऐसा कुछ, बस रिकवर कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, फाइन। उसके बाद आपने एक प्रोटोकॉल सुना होगा जिसका नाम होता है सीडीपी, आपके लिए एलएलडीपी भी नया है और यूडीएलडी भी नया, बात करेंगे क्या होते हैं। एक्सेस पोर्ट सुने, ठीक है जी, वीलन डॉट डेट फाइल आपने सुनी है क्या होती है, वीलन डेटाबेस बोलते हैं उसे। नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल एंड एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलन, सुना? सुना, लेकिन मैंने वॉइस वीलन नहीं सुना कभी क्या होता। जिन्होंने सीसीएनए पढ़ी है, जो कहीं काम करते हैं उनको पता होगा शायद वॉइस वीलेंस क्या होती है, फाइन। उसके बाद वीटीपी वर्जन 1 सुना सीसीएनए में, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी वर्जन 3 नहीं सुना होगा और वीटीपी प्रूनिंग नहीं सुना होगा, फाइन। उसके बाद डॉट 1Q ट्रंक सुना, नेटिव वीलैन सुना, नहीं सुना तो ठीक है सुना देंगे, फाइन। नेटिव वीलैन के बारे में चिंता ना करो। मैनुअल प्रूनिंग करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। आफ्टर दैट टॉपिक इज एलएसीपी, पीएजीपी, मैनुअल। क्या है एक्चुअली? ईथर चैनल बनाने के तरीके, दीज आर द वेज टू कॉन्फिगर ईथर चैनल। बात करेंगे ईथर चैनल क्या होते हैं, शायद आपने सीसीएनए में ईथर चैनल का ओवरव्यू नहीं लिया, तो पहले ओवरव्यू देंगे ईथर चैनल का, फिर स्टार्ट करेंगे। हम अपना सिलेबस इसी अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, जो सिलेबस है ना, पहला टॉपिक उठाऊंगा और आखिरी टॉपिक आखिरी दिन खत्म कर दूंगा, बात खत्म। ना टॉपिक से बाहर की बात, ना टॉपिक से एक्स्ट्रा बात, जब तक आप कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आते, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो हम टॉपिक से एक्स्ट्रा बात करें, यू हैव टू रेज द क्वेश्चन, फाइन। ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन गार्ड, लोड बैलेंसिंग, लेयर 2 एंड लेयर 3 ईथर चैनल सब पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। कॉन्फिगर एंड वेरीफाई स्पैनिंग ट्री, पीवीएसटी प्लस, रैपिड पीवीएसटी प्लस और एमएसटी, तीनों पढ़ेंगे। बाकी ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे आपको, स्विच प्रायोरिटी, पोर्ट फास्ट, एसटीपी टाइमर्स, कॉन्फिगर एंड वेरीफाई अदर लैन स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, स्पैन एंड आर स्पैन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिगर एंड वेरीफाई अदर लैन स्विचिंग टेक्नोलॉजीज? स्पैन क्या होता है? स्विच पोर्ट एनालाइजर। व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन? व्हाट डू यू मीन बाय आर स्पैन? रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर, इसलिए यूज स्पैन करते हैं, बात करेंगे जब स्पैन करेंगे। स्टैक वाइज का मतलब क्या होता है? वीएसएस, वर्चुअल स्विच स्टैकिंग, वर्चुअल। आज तक आपने ऐसा देखा था, मैं दो स्विचेस को कनेक्ट करता था, फाइन। अब मैं क्या करूंगा, दो स्विचेस को कनेक्ट करके एक सिंगल स्विच बना दूंगा, वो फिजिकली तो दो स्विच होंगे लेकिन वर्चुअली एक ही स्विच होगा। एडवांटेज क्या है इसका? अगर एक स्विच डाउन चला जाएगा तो उसका रोल कौन ले लेगा? दूसरा स्विच, फाइन। बात करेंगे कैसे करते हैं, सिर्फ कमांड्स हैं आपके सिलेबस में, कैसे करेंगे स्टैकिंग। डीएससीपी स्नूपिंग बात करेंगे, सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, फाइन। ये थोड़ी सी ट्रिपल ए की बात की है इसने, ट्रिपल ए सर्वर होता है कुछ, बात करेंगे क्या होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हाई अवेलेबिलिटी, टॉपिक का नाम क्या? हाई अवेलेबिलिटी, जिसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, HSRP, VRRP और आपका CCNP स्विच, खत्म, ठीक है जी। अब एक ओवरव्यू लेते हैं, आपने CCNA में क्या पढ़ा,
यार तुमने सीसीएनए में सबसे पहला टॉपिक वीलैन में पढ़ा होगा, सो स्विचिंग में पढ़ा होगा वीलैन, उसके बाद किसने तुम्हें पढ़ाया होगा, एसटीपी में दो चीजें पढ़ाई होंगी, सीएसटी और पीवीएसटी। जितना मैं सोच के चलता हूँ किसी ने पीवीएसटी प्लस के बारे में भी बताया हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ ऑप्शनल पॉइंट, सॉरी एडिशनल पॉइंट, फाइन। नेक्स्ट थिंग आपने जो पढ़ा था, मैं अपने तरीके से लेके चलता हूँ, ईथर चैनल का सिर्फ एक ओवरव्यू कि ईथर चैनल होते क्या, फाइन। और आपने अपनी स्विचिंग खत्म की थी, इंटरवील एंड राउटिंग पे, उसके बाद आपने सिक्योरिटी भी पढ़ी थी स्विचिंग में थोड़ी सी, अगर आपको याद हो सिक्योरिटी में आपने एक टॉपिक पढ़ा था स्विचेस पे, पोर्ट सिक्योरिटी, एग्री। उसके बाद आपने एक टॉपिक पढ़े थे आईपी सर्विसेज के अंडर डीएससीपी, उसके बाद ये तीन टॉपिक्स का मैं सिर्फ ये मान के चलूंगा आपने क्या लिया हुआ एक ओवरव्यू, हम इनको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यार एक बात आज तक सब लोग सोचते हैं, सिस्को ने मॉड्यूल्स बनाए सीसीएनपी राउट सीसीएनपी स्विच, तो सीसीएनपी स्विच में वो सारे टॉपिक्स रिपीट क्यों किए गए जो हम कहां पढ़ चुके हैं, आपको पता है सारे टॉपिक्स आपको सीसीएनपी में पढ़ने का दोबारा मिलेंगे, व्हाट इज द रीजन। देखो यार वीलन को मैं एडवांस नहीं कर सकता, डीटीपी को मैं एडवांस नहीं कर सकता, वीटीपी में मैं कुछ नया दे सकता हूं आपको लाइक वर्जन 3, लेकिन वर्जन 3 आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक वर्जन 3 का ओवरव्यू दिया हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। अगर आप एसटीपी में आ जाओ तो पीवीएसटी प्लस के बारे में थोड़ा ज्यादा बता रखा, और दो नए प्रोटोकॉल हैं, कौन से आरएसटीपी और एमएसटी। अब ईथर चैनल माना आपके लिए टोटली नई चीज हो गई, आईपी सर्विसेज में ये टॉपिक माना नई चीज हो गए, तो उसने ये सारे टॉपिक रिपीट किए क्यों। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यार, अब तक मैं क्या कर रहा था, मैं आपको वीलन पढ़ा रहा था क्या होती है, मैं आपको डीटीपी बता रहा था क्या होता है, मैंने कभी आपको कोरिलेशन नहीं बताया था, मैंने रिलेट नहीं किया था चीजों को कि वीटीपी पे वीलन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और या फिर डीटीपी पे वीटीपी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन डीटीपी एंड वीटीपी, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन डीटीपी एंड एसटीपी, होता भी है नहीं, क्या एसटीपी का कोई फंडा डीटीपी के वर्किंग को चेंज कर सकता है, या फिर डीटीपी का कोई फंडा एसटीपी की वर्किंग को चेंज कर सकता है, ऐसा कुछ। मैं आपको डिपेंडेंसी बताना चाहता हूं, एक्चुअली डिपेंडेंसी क्या होती है, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं सिर्फ डिपेंडेंसी बताने के लिए। स्विच वन स्विच टू, ठीक है, ये बंदा इसको वीटीपी अपडेट भेज रहा है लेकिन इसको मिल नहीं रहा, कौन सा अपडेट आ गया वीटीपी, लेकिन दूसरे बंदे को मिल, क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन पाजी ने दिया, बीच में क्या ना हो, बीच में क्या ना हो, ट्रंक, ट्रंक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब वीटीपी की वर्किंग किस पे डिपेंडेंट है, वीटीपी काम तभी करेगा जब ट्रंक बना होगा, और ट्रंक बनाएगा कौन, ट्रंक बनाएगा कौन, डीटीपी, एग्री और नॉट, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा रीजन क्या होगा, ही इज सेंडिंग वीटीपी अपडेट बट ही इज नॉट एबल टू गेट इट, आपने एक रीजन दिया, किसी ने रीजन दिया था वर्जन, दैट वर्जन इज नॉट थर्ड, डोमेन नेम इज नॉट सेम, देयर कैन बी अ चांस, ओके। फोर्थ रीजन, पासवर्ड इज नॉट सेम, देखो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ जी ब्रो हमने क्या बात करी है, लिंक क्या है, ट्रंक, तो ट्रंक कभी भी विलेन का पार्ट नहीं होता, फाइन। अब देखो
ये तीनों रीजंस तो मैंने माने कि किससे रिलेट करते थे, वीटीपी से, लेकिन ये रीजन किससे रिलेट करता था, डीटीपी से। मतलब वीटीपी एंड डीटीपी का क्या है, एक, या फिर मैं बोलूं क्या एक रिलेशन है जिसे मुझे समझना है, क्योंकि वीटीपी तो आपको पता है क्या होता है। मैं थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी दिखाऊंगा आपको वीटीपी समझाने में, बस कि थोड़ा और डीपली बता दूंगा आपको वीटीपी कैसे काम करता है, थोड़ा और डीपली बता दूंगा आपको डीटीपी कैसे काम करता है। बट द मेन थिंग इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वीटीपी एंड डीटीपी। ऐसे ही क्या डीटीपी का कोई रिलेशन एसटीपी के साथ भी होता है, देखेंगे जब टॉपिक पे आएंगे। तो मेन रीजन है सीसीएनएस, सीसीएनपी में ये सारे टॉपिक्स दोबारा इंट्रोड्यूस करने का कि अब हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक्स में, कोरिलेशन। हाँ भाई, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेट होता है, एक की वर्किंग दूसरे की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करेगी। तो गाइस पहला टॉपिक है मेरा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, व्हाट इज अ स्विच। एक स्विच क्या होता है, बेसिकली बेसिकली स्विच, व्हाट इज अ स्विच। फॉरवर्ड्स, यस, नेक्स्ट थिंग। तो लिख तो रिया फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर टू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज लेयर टू इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट। मेंटेन्स अ मैक टेबल, मेंटेन्स अ मैक टेबल। नेक्स्ट थिंग, इसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग इसलिए होगी बात ऊपर, डोंट रिपीट दैट शिट। नेक्स्ट थिंग, अगर इसमें एड इज डिफाइंड डेस्टिनेशन तो डायरेक्टली यूनिकास्ट को देगा, वेरी गुड। अदरवाइज स्प्रेड कैन यूनिकास्ट और परफॉर्म ब्रॉडकास्ट, देयर इज नथिंग लाइक मल्टीकास्ट ऑन स्विच। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मल्टीकास्ट को भी स्विच क्या समझता है, ब्रॉडकास्ट। स्विच विल ऑलवेज कंसीडर मल्टीकास्ट एज ब्रॉडकास्ट, तो मल्टीकास्ट कभी स्विच किसी चीज को नहीं करता जब तक उसमें मल्टीकास्टिंग कॉन्फिगर ना हो। अप टू द टाइम मल्टीकास्टिंग इज नॉट कॉन्फिगर्ड, और मल्टीकास्टिंग अब तक आपने कभी नहीं पढ़ी तो छोड़ दो उसे, लीव दैट शिट, फाइन। नेक्स्ट थिंग, और कोई पॉइंट। इट्स वर्किंग इज डिपेंड्स ऑन एसी चिप्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट हार्डवेयर बेस्ड, सो इट मेक्स इट मोर बेटर एज कंपेयर टू पेजर एज कंपेयर टू डिवाइसेस। इन्होंने एक बात करी एएसआईसी चिप्स, कितने लोगों को बताया एएसआईसी चिप्स क्या होती हैं, व्हाट आर एएसआईसी चिप्स। ये सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं ले रहा हूं, अभी मैं अपने तरीके से बताऊंगा मैं स्विच को क्या समझता हूँ, फाइन, दीज आर जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यूज। हाँ जी, एएसआईसी चिप्स, एएसआईसी चिप्स मेंटेन्स द मैक एड्रेस टेबल। वेयर ए एस आई सी चिप्स आर लोकेटेड, इन साइड द स्विच। ओके यार, दिल भी तेरे पास ही है ना, गर्लफ्रेंड का तुम दिया, खाना अंदर ही जाता है। क्वेश्चन, वेयर ए एस आई चिप्स आर लोकेटेड, कॉपी, ओपन योर नोटबुक, राइट दिस क्वेश्चन। राइट फुल क्वेश्चन, व्हाट आर एएसआईसी चिप्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। हार्डवेयर है ये, हार्डवेयर फ्लैश में कैसे स्टोर हो जाएगा। How many of you think that ASI chips are stored in flash? No, it is the hardware.
हाउ हार्डवेयर कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी, हार्डवेयर को मेमोरी में कैसे स्टोर कर दोगे, मेरी रैम हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो सकती है, इट इज अ डिफरेंट हार्डवेयर, लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, यस और नो, यही होती है रैम, हार्ड डिस्क क्या होती है, मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है, कनेक्टेड होती है, हर चीज मदरबोर्ड से तो कनेक्टेड होगी, ये भी याद रखना, एवरी फकिंग थिंग इन योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, सही बोल रहा हूँ मैं, मैंने कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक तुक्का हमारा है, ऐसा होना चाहिए, पंखा कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से, होता ही होगा यार, पावर कहाँ से आती है, एग्जॉस्ट फैन, SMPS बोलते हो आप उसको, पता नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा, फिर भी ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है, किसी को क्वेश्चन भी क्लियर ना हो तो पूछ सकता है दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, पूरा दिन है आपके पास, पूरी रात भी, ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हो, अगर आपको स्विच के बारे में कुछ नई बात पता है तो क्या पता उससे मैं कुछ आपको नया बताऊं या कुछ नई चीज रेज हो, और कुछ बताना चाहते हो आप स्विच के बारे में, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स आर ऑन, बाय डिफॉल्ट पोर्ट ऑन होते हैं, आप वायर लगाते हो, आपने ऐसा पढ़ा होगा बाय डिफॉल्ट देवर इन्वेस्टेड डिसेबल्ड, उसके बाद स्टेट कौन सी होती है, पढ़ा है स्विच के पोर्ट की कितनी स्टेट होती है, पांच, डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, तो बाय डिफॉल्ट स्टेट होती है डिसेबल्ड, जैसे ही आप वायर लगाते हो किस स्टेट में आ जाते हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में, किस स्टेट में आ जाते हैं, वो 30 सेकंड लगते हैं, वो बात नहीं कर रहा मैं स्टेट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, ऑन, आपने वायर लगाई और वो ऑन हो गया, उसने काम करना शुरू कर दिया, राउटर की तरह नहीं है, आपने वायर लगाई फिर एक्सेस लिया राउटर का, फिर आपने उस पोर्ट को जाकर क्या किया, नो शट, सर ये STP की होती है ये स्टेट्स, हाँ स्विच के पोर्ट्स की स्टेट्स होती हैं बिकॉज ऑफ STP, ठीक है जी, तो उसमें तो 52 सेकंड लेता है ना स्टार्ट होने में, ये 30 सेकंड लेगा स्टार्ट होने में, ये 30 सेकंड लेता है, लेकिन ये जो टोटल के 15-15 और ये जैसे इनके टाइमिंग होते हैं तो इतना टाइम देने का है, 50 सेकंड तो देने से आपको नहीं यार, मेरे हिसाब से 30 सेकंड लेने चाहिए, आप टाइम देख लो, देखो ब्लॉकिंग में कितनी रहता है, रहता ही नहीं माइक्रो सेकंड्स, तो STP के अकॉर्डिंग तो STP के अकॉर्डिंग 30 सेकंड लेता, 52 सेकंड नहीं लेता, आप मैं ऐसे यार किसी को गलत नहीं बोल सकता, द नॉर्मल थिंग, आप गूगल पे पढ़ लेना इस बात को, ठीक है, रीड इट इन योर बुक और ऑन गूगल, द थिंग इज इन लिसनिंग स्टेट इट विल टेक, इन लर्निंग स्टेट इट विल टेक 15 सेकेंड, यही 30 सेकेंड लगते हैं पोर्ट को अपाने में, आप अगर आप कहते हो तो एक स्विच ले आएंगे, एक कंप्यूटर ले आएंगे, कनेक्ट करके घड़ी लेके टाइम लेके बैठ देना, 31 सेकंड लगता ही मुझे बोल देगा, मैं क्या कह रहा हूँ 31 सेकंड भी नहीं लगेगा, कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड, कुछ केस हो सकते हैं जिसमें कितने सेकंड लग जाएं, 32 सेकंड, 32 सेकंड, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगेंगे, ठीक है, और ये जो ब्लॉकिंग में जाता है, बात करेंगे STP में, यहाँ पे ये पोर्ट को ब्लॉकिंग में क्यों डालता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज सेंडिंग द पोर्ट इन ब्लॉकिंग स्टेट, ये डिसेबल्ड से सीधा लिसनिंग में क्यों नहीं आता, ठीक है जी, बात करेंगे जब क्या पढ़ेंगे STP, मेरा बताने का मोटिव ये था कि स्विच का पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑन, वायर लगाओ काम करना शुरू, लेकिन राउटर का पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑफ, ऐसा क्यों बनाया गया, नहीं ब्रो मैक एड्रेस रीड करता है वो उसकी फंक्शनिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई ऐसा क्यों बनाया गया कि राउटर का पोर्ट बाय डिफॉल्ट शट रहेगा और स्विच का पोर्ट बाय डिफॉल्ट नो शट रहेगा, क्यों भाई, यूजर कहाँ कनेक्ट होते हैं बार बार, स्विच पे, राउटर पे थोड़ा होते हैं, तो बार अगर आपको स्विच का पोर्ट शट मिलता बाय डिफॉल्ट तो प्रॉब्लम क्या आती, नेटवर्क एडमिन तो सारा दिन शट और नो शट करता ही रह जाता, और क्या सोचो, अब नेटवर्क एडमिन ऐसे पसीना आ रहा होता, कीबोर्ड पे गिर रहा होता, रो शट और नो शट कर रहा होता, भाई 8वें फ्लोर पे एक यूजर बैठ गया उसका पोर्ट क्या कर दो, अरे अब 7वें पे बैठ गया उसका फ्लोर क्या कर दो, यही सारा दिन वो काम करता, तो हमने ये प्रॉब्लम कभी भी रेज ना हो तो स्विच का पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या रखा, ऑन, वायर लगाओ अपना काम करो, दिस थिंग इज क्लियर, इतनी सी बात।
अगला कोई काम स्विच करता हो, वेरी गुड पॉइंट, स्विच पे क्या होती है, परपोर्ट कोलिजन डोमेन, वेरी गुड। अब मुझे मतलब समझाओ परपोर्ट कोलिजन डोमेन का, मजा तो तब आएगा। तो मल्टीपल कोलिजन डोमेन ज्यादा हो जाएंगी तो कोलिजन के चांसेस कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्यों? एक कोलिजन डोमेन में तो सारे सेंड करेंगे, अभी कुछ देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, अगर आपने कोलिजन डोमेन बांट दिया है तो कोलिजन होने के चांसेस कम हो गए। हाउ आई अंडरस्टैंड कोलिजन डोमेन, मैं कोलिजन डोमेन का समझता हूं एक वे, वन कोलिजन डोमेन मीन्स एक रास्ता, ये लोग भी दिख रही है आपको, इन सारे रूम्स के पास कितनी कोलिजन डोमेन्स है, एक, एग्री? तभी तो भीड़ होती है, तभी तो आप जैसे लड़कों को लड़कियों से टकराने का मौका मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई ओनली देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन। अगर मैं हर रूम को एक अलग रास्ता दे दूं, लेट्स से अभी तो गैलरी कैसे है, ऐसे है, और उसमें रूम्स कैसे हैं, ऐसे। अब क्या होता है, सब लोगों के पास ट्रेवल करने के लिए रास्ते कितने हैं, एक ही, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोलिजन डोमेन। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड थिंग, मैंने रोड कुछ ऐसे बनाई, यहां एक रूम है और यहां एक रूम है, इस रूम के पास अपना रास्ता, इस रूम के पास अपना रास्ता, ये क्या है, पर रूम। और पिछले केस में क्या था, सारे रूम्स के पास कितनी कोलिजन डोमेन थी, तो चांसेस ऑफ कोलिजन पिछले केस में ज्यादा थे या इस केस में ज्यादा है, पिछले में ज्यादा थे, लोगों को ज्यादा अच्छा किस केस में लगता था, पिछले वाला भाई, यही तो ट्रुथ था। देखो कभी समझाऊंगा मैं आपको, अभी हम खुल जाएंगे, हम अच्छी तरह बात क्या करेंगे फिर, ठीक है जी। ए रूम, बी रूम, सी रूम, डी रूम, ई रूम और एफ रूम, सब लोगों के पास वे कितने हैं, एक, और उस केस में हर रूम के पास क्या अपना अलग वे। आप होटल में जाते हो ना, कभी बड़े होटल में गए हो अगर आप, तो दो तरह के रूम्स मिलते हैं, एक तो नॉर्मल लॉबी में मिलते हैं और एक पीछे होते हैं, होटल के पीछे रूम्स होते हैं, अलग अलग रूम्स, क्या बोलते हैं उनको, कॉटेज काइंड ऑफ, हाँ, तो उनकी अपनी कोलिजन डोमेन है हर रूम की, और होटल में जिस रूम में हम रहते हैं वो तो हम क्या है, कोलिजन डोमेन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेनिफिट क्या है मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स होने का, चांसेस ऑफ कोलिजन क्या हो गई, कम। और जब मेरे पास अपना वे है सेंड और रिसीव करने के लिए, तो मैं किस मोड में काम कर पाऊंगा, किस मोड में काम कर पाऊंगा, फुल डुप्लेक्स। दिस थिंग इज क्लियर, अभी बात करेंगे हम फुल डुप्लेक्स में काम क्यों कर पाते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर, हर चीज क्लियर हो जाएगी। दिस थिंग इज क्लियर, अगला पॉइंट, वेरी गुड, ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात कर रहे हैं ना आप, कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, और मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं अभी ये बात कि आप सबको पता हो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन क्यों होती है, बाय डिफॉल्ट स्विच पे वीलेंस कितनी होती है, एक, तभी ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कितनी होती है, एक। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन मैं अपने अकॉर्डिंग बता देता हूं। मैं यहां बैठे बैठे चिल्लाया, मेरी आवाज जहां तक गई वो मेरी क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। मैंने यहां से कोई मैसेज सेंड किया, वो मैसेज जिस एंड तक ब्रॉडकास्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है, वो मेरी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट डोमेन। दिस थिंग इज क्लियर, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर मैं यहां बैठा बैठा चिल्लाऊंगा तो हर रूम में आवाज चली जाएगी, लेकिन इस शीशे के गेट से बाहर आवाज, कौन सा शीशे गेट, ये वाला, इससे बाहर आवाज नहीं जाएगी, तो ये मेरी क्या हो गई, पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन। और स्विच पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होने का रीजन क्या है, स्विच पे वीलेंस कितनी होती है, एक। अब गाइस बहुत ही बेसिक बात से स्टार्ट करने वाला हूं मैं, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि आपको स्विच के बारे में क्या पता है, फाइन। नाउ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू,
पहली बात, ये एक स्विच है, इस पे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स का सबसे पहले होता है एक टाइप भाई, क्या होता है टाइप, इट कैन बी हो सकते हैं। यही तीन स्टैंडर्ड आपने पढ़े हैं और मैंने भी यही पढ़े। फास्ट इथरनेट का मतलब, इथरनेट का मतलब, गिग का मतलब। क्वेश्चन लिखो कॉपियों में, नोटबुक्स में, इन तीन पोर्ट्स में डिफरेंस क्या है। कोई अभी बताना चाहे तो अभी भी बता सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री पोर्ट्स। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या है सब कुछ, ये सारी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, कोई समझा सकता है? Can anyone make me understand what is the difference between bandwidth and speed? Yes, bro. वेरी गुड, समझे इसके बाद इसने क्या बोला, कह रहा बैंडविड्थ क्या है, वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पे डेटा ट्रेवल कर सकता है, और स्पीड क्या एक्चुअल स्पीड है। मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं अपने वापस, ये बॉटल खुली तो नहीं, कहीं बही हो जाए, मैं यूं करते ही पानी गिर जाए। ये बॉटल है, अब बॉटल सोच लो सिलेंडर है, क्या एक सिलेंडर सोच लिया, बहुत कुछ सोच लेते हैं हम, बोतल को सिलेंडर ही बनाना अभी, ठीक है भाई। मैंने सोच लिया बोतल क्या सिलेंडर है, ठीक है भाई। अब सिलेंडर छोटा है थोड़ा बड़ा है, इससे सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड पे, किस पे फर्क पड़ रहा है, मैक्सिमम। हाँ भाई मैक्सिमम, इसमें से इतना पानी एक बार में जा सकता है, इसी चीज पे तो फर्क पड़ रहा है, एग्री और नॉट, स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? स्पीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा कंसर्न क्या, स्पीड। अगर इसमें से 1 MB पानी जा रहा है, ये 100 MBPS की सिलेंडर है, इसमें कितना पानी जा रहा है, तो स्पीड तो 1 MB पानी की उतनी होगी जितनी 100 MB में होगी, जितने 10 में होगी। स्पीड ऑफ वाटर विल रिमेन सेम, क्योंकि मेरा ये ढांचा है भाई। बैंडविड्थ तो किसको डिफाइन कर रहा है, एक ढांचे को, डायमीटर को, कितना मैक्सिमम पानी इसमें से एक बार जा सकता है। और सोचो मेरी स्पीड कितनी है, 1 MBPS, तो वो मीडिया बेशक 1000 MBPS का हो, 100 MBPS का हो बेशक, 10 MBPS का, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन इंपैक्ट कब पड़ेगा, जब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेट से मैं 10 MBPS वायर से 20 MBPS ट्रेवल कराना चाहता हूं, पॉसिबल नहीं होगा, उसमें स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कम कंपेयर टू 100 MBPS, कंपेयर टू 100 MBPS। समझ में आई बात, कि भाई 100 MBPS का जो मेरा सिलेंडर होगा, और एक सिलेंडर कितने MBPS का, 10 MBPS का, मुझे डेटा भेजना किस स्पीड से है, 20 MBPS से, तो ज्यादा बढ़िया किससे जाएगा, 100 से। लिंक किस बेसिस पे लगाते हैं समझ में आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एयरटेल हूं, ठीक है, सेक्टर 14 में मुझे कनेक्शन देने हैं, क्या देने हैं, कनेक्शन। आप सब लोग मेरे पास इकट्ठे हो गया है, ऐसे ही होता है असली में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही होता है असली में। क्या एयरटेल को अपने पता चल जाता है, वहां पर यूजर बैठे हैं, यूजर जाते हैं एयरटेल के पास, भाई हम 6 कंपनी हो गए इस एरिया में, वी वॉन्ट एयरटेल कनेक्शन, और क्या ऐसे नहीं मिल जाता कनेक्शन। डीएलएफ जब बन रहा था तो एयरटेल ने अपनी तारे पहले ही बिछा दी थी, कि जैसे ही डीएलएफ बन जाए मैं अपने कनेक्शन सबको पहले ही बांट लूं। भाई कॉम्पिटिशन भी था मार्केट में, आप भी पत्थर मारो, नेटवर्क इंजीनियर को जाके लगता है जो रोड पे घूम रहा होता है कनेक्शन बेचता हुआ, यस ऐसा ही सीन है भाई आज के टाइम में। एयरटेल ने कहा भाई 6 यूजर है मेरे पास, कल को 20 भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, मुझे तार बिछानी है आज अपनी, मुझे वायरिंग देनी है, तो मैं यार 6 यूजर के अकॉर्डिंग थोड़ा ना वायरिंग बिछाऊंगा। मैं क्या सोच के चल रहा हूँ, कल को कितने हो सकते हैं 20, तो मैं वायरिंग इसके अकॉर्डिंग करूंगा, 20 के अकॉर्डिंग। लेट से मैंने 1 GB का लिंक लगा दिया है, मैंने 1 GB का लिंक सेक्टर 14 नेटवर्क, यहाँ सेक्टर 14 में लाके छोड़ दिया, टर्मिनेट कर दिया, एक डब्बा लगा दिया, जिसको जितना चाहिए अपनी 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 वायर लगा लो, लगा लिया आपने,
जितनी जितनी स्पीड आपको चाहिए थी मैंने आपको दे दी। इसका मतलब जब भी आप आईएसपी से लेते हो क्या लेते हो, एक्चुअली स्पीड क्या लेते हो, स्पीड। बैंडविड्थ तो उस लिंक की कितनी है जो लिंक आ रहा है 1 Gbps, कितना ज्यादा बोर्ड कर सकते हो। तो व्हाट यू आर एक्चुअली टेकिंग फ्रॉम आईएसपी, स्पीड। हाँ भाई, मैं किस रेट पे उस लिंक पे डेटा ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन आईएसपी का लिंक तो बहुत बड़ा है, जो क्या है एक्चुअली डिवाइडेड है किसमें, कस्टमर्स में, किसमें, कस्टमर्स में। तो एक्चुअली करता क्या है एयरटेल, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। एयरटेल का राउटर लगा हुआ है, लेट्स से डीएलएफ में, एयरटेल एक तार बिछाएगा कहां तक, सेक्टर 14 तक बिछाई, कितने की तार है ये, 1 Gbps की, फाइन। अब ये मेरा नेटवर्क बोलता है, ये मेरा एक ड्यूकेट कंपनी है यहीं पे है पास में ही, ये मेरा नेटटेक बुल्स है, और कोई कंपनी लगा लो, NIIT लगा लो, और कोई कंपनी लगा लो, सोनी लगा लो, मैंने ले लिया 10 Mbps का लिंक। मैं सोचता हूँ भाई मेरे लिंक की बैंडविड्थ कितनी है, 10 Mbps। भाई गोचू, तेरे लिंक की बैंडविड्थ नहीं है 10 Mbps, तेरे लिंक पे जो स्पीड देर को मिलेगी ना वो क्या है, 10 Mbps। क्या तू डेटा मैक्सिमम अपलोड और डाउनलोड की स्पीड पे कर सकता है, 10 Mbps। और एक बात और क्लैरिफाई कर देते हैं अभी कि ये 10 Mbps डिवाइडेड बाय 8 होता है, दिस 10 Mbps इज डिवाइडेड बाय 8, क्यों, रीजन, मेरा वो जो राउटर लगा हुआ है ना उसका जो इंटरफेस है उस पर जो बैंडविड्थ डिफाइन होती है वो होती है मेगाबाइट्स पर सेकंड, वो क्या होती है, मेगा बाइट्स पर सेकंड। लेकिन जो कस्टमर को मैं टर्म्स एंड कंडीशन देता हूं ना उसमें क्या देता हूं, मेगा बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड। तो 10 Mbps का मतलब 10 मेगा बिट्स पर सेकंड, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए इनसे क्या कर दो, दिस थिंग इज क्लियर, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो भाई, कोई छोटे से छोटी बात और कोई बड़ी से बड़ी बात अगर आपको समझ में ना आए तो पूछना आपको पड़ेगा। हमेशा याद रखना, मैं एक ओला कैब का ड्राइवर हूं और मैं बहुत रफ गाड़ी चलाता हूं, आप मेरे पीछे बैठे हो पैसेंजर, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर एक्सीडेंट हो गया तो, पैसेंजर की, क्योंकि मना किसने नहीं किया, पैसेंजर ने, मेरे को तो जैसा ठीक लग रहा था मैंने चलाई। भाई अगर आपको डर लग रहा है, आप सहमे हुए हो, तो बता दो भैया धीरे चलाओ, आ जाओ, ठीक है भाई। तो ऐसे ही समझना, मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे को गाड़ी चलानी है बस, और मेरा काम क्या, जल्दी से जल्दी आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा के दूसरे कस्टमर को पकड़ना, यही काम होता है ड्राइवर का। तो मेरा भी भाई यही काम है, जल्दी जल्दी आपको छोड़ूं, आपका बैच खत्म करूं और दूसरा बैच, ठीक है भाई। तो कहीं आपको लगे तेज जा रहे हैं आपको बता दे, आप बता देना, वैसे आपको लगेगा नहीं, मैं भी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। कई बातें होती है मैं सोच जाता हूँ कि आपको पता होंगी, और कई लोगों को नहीं पता होती, तो आप पूछ सकते हो। जैसे किसी को नहीं पता अगर बिट और बाइट में डिफरेंस, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कभी मुझे भी नहीं पता था, ठीक है भाई। मैं अभी बहुत लेम आदमी था, ऐसी बातें सुनकर सोचता था क्या बकवास कर रहा है, सामने खड़ा है, सेम थिंग भाई। तो कुछ भी पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं। 1 Gbps का लिंक है, मैंने डिवाइड कर रखा 10 MB, एक कस्टमर को 20, एक को 30, एक को 40, एक को 50, एक को ऐसे बांट रखे। जो बात अब तक हमने की खत्म, आगे बात करते हैं, जस्ट थिंग इज क्लियर। तो मैंने स्विच लिया, स्विच के पोर्ट में आपको डिफरेंस बताया क्या क्या होता है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि स्विच के पोर्ट पे क्या डिफाइंड होती है, क्या डिफाइंड होती है, स्पीड। साथ ही साथ क्या डिफाइन होता है, साथ ही साथ क्या डिफाइन होता है। अब स्विच का जो पोर्ट होता है ना, वो स्पीड को हमेशा क्या करता है, क्या करता है, नेगोशिएट करने का। क्या मतलब, यार पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो तुम, ये स्विच वन ये स्विच टू, क्या स्पीड वायर पे भी डिपेंड करेगी, बात तो अब ये भी आएगी ना, जो मीडिया तुम यूज कर रहे हो क्या स्पीड उस पर डिपेंड करेगी। हाँ भाई, वो मीडिया ही तो है जिसको मैं इथरनेट, फास्ट इथरनेट बोल रहा हूँ, और वो पोर्ट ही तो है जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ, इथरनेट या फिर फास्ट इथरनेट। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं इथरनेट और फास्ट इथरनेट को कनेक्ट कर दूं,
ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी, ऐसा करना भी मत कभी, ठीक है जी। दूसरी बात, हमेशा पॉसिबल क्या होगा, मैं फास्ट ईथरनेट और किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ईथरनेट और ईथरनेट को, गीगाबिट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट को। लेट से भाई ये फास्ट ईथरनेट लिंक था और ये भी क्या था, एक मैंने कनेक्ट कर दिया, स्पीड बाय डिफॉल्ट यहाँ भी क्या होगी, यहाँ भी कितनी होगी, ये स्पीड क्या होती, कौन सी होती है, मैक्सिमम, कि मैक्सिमम इस इंटरफेस पे कितनी स्पीड से डेटा ट्रेवल हो सकता है, 100 MB/s, 100 MB डेटा एक सेकंड में ये स्विच अपने इस इंटरफेस से स्विच कर सकता है। स्विच करने का मतलब बाहर भी निकाल सकता है और अंदर भी डाल सकता है, स्विचिंग का मतलब यही है, इन भी और आउट भी। 100 MBPS कितने सेकंड में, एक सेकंड में, मतलब इन भी 100 और आउट भी 100, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, तो 100 MBPS का लिंक थ्रूपुट कितना देता है, 200 MBPS। बात समझ में आई, 100 MBPS एक टाइम पे अंदर जा सकता है और 100 MBPS एक टाइम पे बाहर आ सकता है। ये चीज खत्म, आगे चले। मैंने दो स्विच को कनेक्ट किया, लेट से आपने यहां पे स्पीड डिफाइन कर दी अपनी मर्जी से, कितनी डिफाइन कर दी, तो इस साइड भी नेगोशिएट होगा, कितनी हो जाएगी, 10 MBPS, क्योंकि स्विच का पोर्ट बाय डिफॉल्ट स्पीड को क्या करता है, नेगोशिएट, क्या करता है, नेगोशिएट। ये बात क्लियर हुई, मैंने यहां पे भाई मैनुअली खुद डिफाइन करी ना 10, मैं यहां पे 100 ही रखता तो इसने पहले भी कितनी मान रखी थी, 100 ही मान रखी थी, जहां मैंने चेंज कर दी मैनुअल कर दी, वो दूसरे वाले को भी मैनुअल बात माननी पड़ेगी, दोबारा नहीं बोलूंगा, नाखून नहीं खड़ा यार, मैं ऐसे बैठे लग रहा हूं, हाँ भाई हाउ आई लुक लाइक, फाइन। इतनी बात समझ में आई भाई, मेरे को ना आप एक रीजन बताओगे, आप सब लोग, मैं दो स्विचेस को कौन सी केबल से कनेक्ट करता हूं, क्रॉस केबल, वेरी गुड, क्यों, फालतू की बात ना करो, लॉजिकल रीजन चाहिए मुझे, बिल्कुल ठीक है। स्विच सेंड करने के लिए कौन सी पिन यूज करता है, रिसीव करने के लिए कौन सी पिन यूज करता है, 2 और 6, तो मैंने कौन सी केबल बनाई, क्रॉस केबल, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझो, जब स्विच 1 सेंड करेगा कौन सी पिन यूज करेगा, रिसीव कौन सी पे करेगा, स्विच 2 और 6 पे, 100 MBPS डेटा इन आया एक टाइम पे, और एक ही टाइम पे 100 MBPS डेटा आउट भी जा सकता है, कौन सी पिन से, सॉरी 3 और 1 और 3 से, ये कौन किस लिए यूज करेगा, इन दोनों को सेंड करने के लिए, और ये इन दोनों को रिसीव करने के लिए। कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई दिक्कत, 1, 3 और 2 और 6, इसमें मैंने 2 नहीं बनाई ना, सॉरी यहां मैंने लिख दिया, ये आएगा एक्चुअली, ये होगा डायग्राम, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, रिसीव, ये स्विच 1 हो गया, सेंड करेगा इधर, ये क्या करेगा, रिसीव। भाई लॉजिक यही होता है, तुमने कभी लॉजिक सोचा ही नहीं। अब एक बात बताओ, स्विच पे रूल बना दिया आगे 1 और 3 प्रिंट क्या करेंगी, 2 और 6 क्या करेंगी, रिसीव। ये कंप्यूटर है, इसको स्विच से लगाया, कौन सी केबल यूज करते हैं, स्ट्रेट, स्ट्रेट में किससे कनेक्टेड होती हैं, 1, 1 से 3, 2, 6, 6 से। कंप्यूटर किस पे सेंड करता है, देखो यार समझो, अभी भी तरीका समझो ना, मैंने स्विच के देखो, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन वन से कनेक्टेड है, टू टू से, थ्री थ्री से, और सिक्स सिक्स से। कंप्यूटर सेंड करने के लिए कौन सी यूज करेगा? भैया स्विच है, स्विच रिसीव किस पे करता है? टू और सिक्स पे। तो कंप्यूटर सेंड करने के लिए कौन सी यूज करेगा? टू और सिक्स। अब कंप्यूटर रिप्लाई किस पे करेगा? स्विच रिप्लाई किस पे करेगा? रिप्लाई किस पे करेगा? सेंड किस पे करेगा? स्विच। ये रिसीव किस पे करेगा? वन और थ्री पे। बात खत्म। ये लॉजिक है। तभी कंप्यूटर और स्विच के बीच में कौन सी केबल लगती है? स्ट्रेट केबल। और स्विच के बीच में कौन सी केबल लगती है? क्रॉस केबल। भाई लॉजिक है, तभी पिन ऐसे कनेक्ट की हुई है ना। कंप्यूटर पे सेंड करने के लिए कौन सी पिन रखी गई? टू और सिक्स, और रिसीव करने के लिए वन और थ्री। और उल्टा है बिल्कुल, केस इज अपोजिट ऑन स्विच। चेक कर लो ना यार। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, सेंड करने के लिए कौन से पिन्स है? टू और, और रिसीव करने के लिए? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? लॉजिक समझ में आया कि कंप्यूटर को स्ट्रेट केबल से ही क्यों स्विच से कनेक्ट करते हैं, और स्विच को आपस में क्रॉस केबल से ही क्यों कनेक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ मैचिंग ऑफ पिन्स। ठीक है भाई, थोड़ा सा लॉजिकल है, घर जाके एक बार दोबारा सोचना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले। दो स्विचेस को कनेक्ट भी कर दिया, मीडिया भी बता दिया कैसे डिसाइड होगा और कैसे काम करेगा। तो अगर दो स्विच 10 Mbps के लिंक से कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम थ्रूपुट वो मुझे कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 20 Mbps। कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 100 Mbps सेंड करने के और 100 Mbps रिसीव करने के। इतनी बात क्लियर हुई, आगे चले। अब यार एक ये जो स्विच है ना, ये भाई क्या बनाता है? मैक एड्रेस टेबल। अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल लॉजिक कि मैक एड्रेस टेबल तो यार एक एंट्री है जो मैं अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा हूं। एग्री? एक एंट्री तो है जो मैं कहां स्टोर कर रहा हूं? मेमोरी में। यार वो मेमोरी तो कभी भी खत्म हो सकती है। आई एग्री विद यू कि एक टाइमर चलता है जिसमें मैं मैक एड्रेस एंट्री को रिमूव कर देता हूं अगर वो कुछ टाइम तक डिलीट नहीं होती, कुछ टाइम तक यूज नहीं होती। बट द थिंग इज, एक रियल टाइम नेटवर्क में अगर 10,000 यूजर बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्विच है, ऐसा हो सकता है कि उसकी मेमोरी मैक एड्रेस टेबल की वजह से फुल हो जाए। क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दो चीजें बतानी है, एक तो मेमोरी होती कितनी है और देखते कैसे हैं। मेरा पहला कंसर्न ये है आपको बताना कि एक स्विच पे कितने मैक एड्रेसेस को मैं स्टोर कर सकता हूं। भाई ऐसा भी तो मुझे पता होना चाहिए ना, अगर नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? भाई जब नेटवर्क डिजाइन करते होंगे डिजाइनर्स, तो उन्हें पता ना नेटवर्क में यूजर कितने हैं, तो उन्हें पता है ये स्विच मैं यूज कर सकता हूं, ये इतने मैक एड्रेसेस को स्टोर अपनी मैक एड्रेस टेबल में कर सकता है। ऐसे थोड़ा ना होता होगा कोई भी स्विच उठाओ 2950 लगा दो भाई, या फिर 3550 लगा दो भाई, ऐसे थोड़ा ना होता होगा। दे मस्ट टेक थिंग सीरियसली, वो चीजों को सीरियसली लेते हैं और इसी अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कौन सा स्विच उनको नेटवर्क में यूज करना है। तो हर स्विच की क्या होती है एक्चुअली, एक कैपेसिटी कि वो अपनी टेबल में कितने मैक एड्रेसेस को स्टोर कर सकता है। वो कैपेसिटी कैसे पता लगाते हैं? शो फ्लैश करते हैं तो उसकी मेमोरी आती है। तो आप बता सकते हो उस मेमोरी में एक एंट्री कितना स्पेस लेगी? तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि सारी फ्लैश में कितने वो आएंगे। अभी क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, बहुत ही तो स्टार्टिंग है। दिस थिंग इज क्लियर। हमारा पहला टॉपिक था स्विचिंग में SDM। ठीक है जी, SDM क्या होता है?
स्विच डिवाइस मैनेजर, एक स्विच पे मैक एड्रेस टेबल में कितने मैक एड्रेसेस स्टोर होंगे और मैक एड्रेस टेबल फुल हो जाएगी तो उसके बाद स्विच कैसे बिहेव करेगा, ये सारा काम किसका होता है? एसडीएम का। ये सारा काम किसका होता है? एसडीएम देखता है भाई इतनी मेमोरी है, इस मेमोरी में इतनी चीजें स्टोर हो जाएंगी, अगर फुल हो जाएंगी तो मुझे बाकी एंट्रीज अब स्टोर नहीं करनी, मुझे बाकी एंट्रीज अब स्टोर। अभी बात करूंगा कि अगर स्विच की मैक एड्रेस टेबल फुल हो जाएगी तो होगा क्या, स्विच एक हब बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हब। स्विच विल एक्ट लाइक हब अगर उसकी मैक एड्रेस टेबल क्या हो जाएगी? फुल, क्योंकि वो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। अभी देखते हैं, बात करते हैं। तो यार एसडीएम आपको बताता है कि ये स्विच है, इसका ये प्लेटफॉर्म है, इसकी मैक एड्रेस टेबल में इतनी एंट्रीज मैं इंस्टॉल कर सकता हूं, इतनी एंट्रीज के बाद मैक एड्रेस टेबल क्या हो जाएगी? फुल। सिर्फ ये मैक एड्रेस टेबल की एंट्रीज के बारे में नहीं बताता, अगर आपका लेयर 3 स्विच है तो कितने राउट्स रहेंगे राउटिंग टेबल में ये भी बताता है, ठीक है जी। आर्प टेबल में कितनी एंट्रीज रहेंगी ये भी बताता है। भाई हर चीज क्या है एक्चुअली, एक मेमोरी में स्टोर कर रहा हूं तो मेमोरी पहले से क्या होती है? प्री डिफाइंड, जैसे आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क पहले से ही है ना 500 GB, जो मर्जी डाल लो 500 GB से ज्यादा आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। इन अ सिमिलर केस स्विच पे भी क्या है, हर चीज को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी है, मैं उससे ज्यादा एंट्री स्टोर नहीं कर सकता, और वो सारी एंट्रीज को कंट्रोल कौन करता है? एसडीएम, स्विच डिवाइस मैनेजर। दिस थिंग इज क्लियर, आगे चले देखो। हाँ जी, हाँ, एक घंटा पूरा बस आज, एक वो है ना आज तो क्या बोलते हैं उसको, नहीं यार फिल्म से पहले क्या आता है, ट्रेलर है, आज तो जिम भी जाना है यार, सोचो यार मेरे बारे में भी कुछ, सेहत भी बनानी है। बस ये आखिरी टॉपिक ही है, सी ऑल डी, ठीक है। ए ने ट्रैफिक भेजा, यार सबको पता ना आर्प वार्प क्या होती है, आर्प क्या होती है पता है? पक्का देख लो, शर्माना मत बता देना, गुस्सा बहुत चढ़ता है बाद में मुझे। ये 10.1, 10.2 बता दो, बता देता हूँ यार। अब 10.1 को अगर किससे बात करनी है? 10.2 से, तो लॉजिक क्या है? 10.1 को 10.2 का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। 10.1 कंप्यूटर 10.2 का मैक एड्रेस स्टोर क्या करता है? कहाँ स्टोर करता है? आप टेबल में। अब 10.1 देखेगा आप टेबल में, क्या उसे 10.2 का मैक एड्रेस पता है? बताया तो ठीक है, वरना क्या जनरेट कर देगा? आर। क्या जनरेट कर देगा? आर। जब 10.1 आर जनरेट करेगा तो सोर्स आईपी क्या होगी? 10.1 डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? सोर्स मैक क्या होगा? ए। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ऑल एफ। ऑल एफ का मतलब क्या होता है गाइस? ब्रॉडकास्ट। ऑल एफ का मतलब क्या? इस यूजर ने जनरेट ही क्या किया है? ब्रॉडकास्ट। क्या जनरेट किया? ये स्विच क्या किस पोर्ट पे हिट किया? पोर्ट नंबर 1 पे। स्विच क्या करता है देखो, हमें तो जानना है एट द एंड ऑफ द डे स्विच क्या करता है। स्विच के इस पोर्ट पे ट्रैफिक हिट हुआ, जैसे ही इस पोर्ट पे ट्रैफिक हिट हुआ स्विच ने देखा किस पोर्ट पे ट्रैफिक हिट हुआ है? पोर्ट नंबर 1 पे। स्विच ने साथ ही साथ किया क्या किया, एक एंट्री बना ली मैक एड्रेस टेबल में कि पोर्ट नंबर 1 पे हिट किया, किसने किया है? हु इज हिटिंग? ए क्या है? उस यूजर का मैक एड्रेस जिसने हिट किया है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर एक तरीका और है, व्हेन एवर स्विच विल मेंटेन इट्स मैक एड्रेस टेबल इट विल ऑलवेज यूज सोर्स मैक एड्रेस इन द ट्रैफिक टू बिल्ड इट्स मैक एड्रेस टेबल। स्विच हमेशा अपने आते हुए ट्रैफिक में सोर्स मैक एड्रेस को यूज करके क्या बनाएगा? अपना मैक एड्रेस टेबल। लेट्स से यार आप ट्रेन में ट्रेवल किए हो कभी, तो ट्रेन में कोई दिल्ली से चेन्नई गया कभी? तो एक बार मैं दिल्ली से चेन्नई गया, मुझे रास्ते में 4 लड़कियां मिली, ठीक है। एक लड़की थी विशाखापट्टनम की,
एक लड़की थी असम में कहीं रहने वाली थी वो, ठीक है, एक लड़की चेन्नई ही जा रही थी, ठीक है जी, और एक लड़की चेन्नई से पहले एक जगह आती है विजयवाड़ा, वहां की रहने वाली थी। अब मुझे चारों का क्या याद है, सोर्स मुझे नहीं पता चारों कहां जा रही थी। मैं उनसे मिला हूं, मैंने उनसे यही तो पूछा आप कहां से हो, उसने मेरे को बताया हाँ भाई मैं यहां से हूं, बात खत्म। मतलब अभी आप ऐसे सोच लो बात खत्म, लेट इट बी लाइक दिस। तो मैं क्या बता रहा हूं, जब भी कोई ट्रैफिक मेरे पास आएगा तो आई वॉन्ट टू नो ये किस सोर्स से आया, और सोर्स को मैंने क्या कर लिया, लर्न लर्न कर लिया, और कहां रख लिया अपने माइंड में। वैसे ही सोचने क्या किया, ट्रैफिक आया इंटरफेस पे हिट किया, ट्रैफिक में क्या रीड कर लिया, सोर्स, क्या रीड कर लिया, क्योंकि शायद मुझे कभी विजयवाड़ा में कोई काम पड़ जाए, नंबर तो है मेरे पास, मैं उसको कॉल करूंगा हाँ भाई मुझे विजयवाड़ा में काम है, क्योंकि मैंने उसका सोर्स पहले क्या कर लिया था, लर्न कर लिया। दिस थिंग इज क्लियर। इन अ सिमिलर वे स्विच भी क्या लर्न कर रहा है, डिवाइस का सोर्स। अब स्विच के पास ट्रैफिक आया, स्विच ने सोर्स मैक एड्रेस को यूज करके अपनी मैक एड्रेस टेबल बना ली। अब स्विच ने दूसरी चीज क्या देखी, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक में स्विच को क्या एंट्री मिली, ऑलएफ। ऑलएफ का मतलब स्विच ने क्या समझा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब इस रिसीविंग पोर्ट के अलावा हर पोर्ट पर इस मैसेज को क्या कर दो, सेंड। अपना एक बात अभी डिस्कस कर लेते हैं भाई, क्या बात है वो, ये ट्रैफिक ना स्विच के अंदर नहीं ट्रैवल करता, ऐसा नहीं होता तारे लगी होती है एक पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट तक और ट्रैफिक उन वायर से जा रहा है, नहीं भाई ऐसा होता है नहीं होता भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, स्विच के एक पोर्ट से ट्रैफिक रेप्लीकेट होता है सब पोर्ट्स पे, क्या होता है रेप्लीकेट। रेप्लीकेट होने का मतलब क्या होता है भाई, कॉपी। क्या होता है, कॉपी। मैं स्विच का एक पोर्ट हूं, आप सब भी लगा लो स्विच के पोर्ट हो, मेरे पे ट्रैफिक हिट किया, मेरे पे जैसे ही ट्रैफिक हिट किया मैंने क्या रीड किया उस ट्रैफिक में, सोर्स मैक अपनी मैक एड्रेस टेबल में डाला, उसके बाद क्या देखा, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक में एंट्री क्या थी, ऑल है। ऑल एफ का मतलब है मैं तुझ पे भी कॉपी कर दूंगा, तुझ पे भी, तुझ पे भी, तुझ पे भी, सारे इंटरफेस पे क्या कर दूंगा कॉपी, बाहर गई तो। ऐसे ट्रैफिक ट्रैवल नहीं किया स्विच के अंदर, और कभी करता भी, मिक्स हो जाएगा, भरता फिर जाएगा ट्रैफिक, अगर स्विच के अंदर ट्रैफिक क्या करेगा ट्रैवल, तो एक्चुअली ट्रैफिक क्या हो रहा है, कॉपी। क्या हो रहा है, रेप्लीकेट। इसका मतलब हम कहते हैं ना स्विच की प्रोसेसिंग खर्च हो गई, क्या खर्च हो गई, प्रोसेसिंग एक्चुअली किसमें खर्च हो रही है, कॉपी करने में भाई। लेट्स से यार, कभी आपने ये नहीं सोचा यार मैं तो 1 GB डेटा भेज रहा हूं सारे का सारा क्यों नहीं जाता, 1 GB पेन ड्राइव से कंप्यूटर में कॉपी होने में इतना टाइम लग जाता है, स्विच उसको सेकंडों में कैसे कॉपी कर देगा, इज इट पॉसिबल। देख यार समझो ना लॉजिक, हर बात के पीछे लॉजिक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप 1 GB आज के टाइम में जिसके पास 3.0 पेन ड्राइव है, 3.0 आई हुई है, आप उसको लगाते हो 1 GB कॉपी होने में कितना टाइम लगाता है, कम से कम 15 सेकंड लगेंगे। अगर 15 सेकंड स्विच ने लगा दिया आपका ट्रैफिक भेजने में, आप क्या चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, नेट धीरे चल रहा है भाई, स्विच तो वहां भी लगे होंगे नेटवर्क में, रियल टाइम नेटवर्क में, अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, राउटर राउटर तो ना स्विच भी होंगे वहां, तो तभी मैं डेटा को क्या इसमें डिवाइड करके भेजता हूँ छोटा छोटा, ये स्विच भी क्या हो फास्ट, जितना छोटा हो उतना जल्दी क्या होगा ट्रैवल करेगा और जल्दी स्विच होगा। राउटर को भी तो यही काम करना होता है, एक इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होता है, उसको दूसरे इंटरफेस पे क्या करना होता है, स्विच करना होता है। राउटर कभी कभी ट्रैफिक अंदर ट्रैवल नहीं करता, राउटर भी तो क्या करता है, राउटर टेबल चेक करता, चलो याद करते हैं, राउटर पहला काम क्या करता है, ट्रैफिक को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद राउटर टेबल चेक करता है, राउटर टेबल में इसके एंट्री देखता है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नेटवर्क देखा, डेस्टिनेशन नेटवर्क देखने के बाद क्या फाइंड आउट करता है, एग्जिट इंटरफेस, क्या फाइंड आउट करता भाई, एग्जिट इंटरफेस क्यों फाइंड आउट कर रहा है राउटर भाई, ये देख रहा है कि इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, किस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर जाएगा, कि मेरे को ये ट्रैफिक किस इंटरफेस पे स्विच करना है। तो राउटर पे भी MTU क्या डिफाइन होता है, कितना डिफाइन होता है, 15। सो कि भाई अगर मेरे पास ट्रैफिक आएगा तो मैं इससे बड़ा ट्रैफिक फॉरवर्ड, भाई मेरी भी तो स्विचिंग कैपेसिटी है, मैं थोड़ा ना तुम्हारा 1 GB ट्रैफिक एकदम कॉपी मार दूंगा,
मेरा भी तो कुछ सीपीयू है, मैं भी तो एक डिवाइस ही हूँ नेटवर्क में, जिससे कि क्लियर तभी हम ट्रैफिक को कैसे फ्लो कराते हैं नेटवर्क में छोटा छोटा करके, कि डिवाइसेस को स्विच करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 15 से क्या होता है एमबीपीएस? पंद्रह सौ होता है दोस्त, इसकी यूनिट होती है बाइट्स, ठीक है भाई। ये होता है एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये एक राउटर है, ये इस लिंक पे कितना बड़ा पैकेट सेंड कर सकता है, कितना बड़ा पैकेट सेंड कर सकता है, ये किससे डिफाइन करता हूं मैं? एमटीयू से। ये कंप्यूटर है, ये कितना बड़ा सेगमेंट सेंड कर सकता है, इसको बोलता हूं मैं MSS। MSS का मतलब होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ये कितना बड़ा हो सकता है? 1460 बाइट, ठीक है जी। अब 1460 में एक्चुअली यार आपने हेडर इतने तरीके से कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो आप ऐसा याद रख सकते हो, कंप्यूटर जब कोई डेटा सेंड करता है, कंप्यूटर भी कितना बड़ा डेटा सेंड कर सकता है? 1500 बाइट। और राउटर का इंटरफेस भी कितना बड़ा ट्रैफिक स्विच कर सकता है? 1500 बाइट। लेकिन राउटर का इंटरफेस और कंप्यूटर इससे बड़ा डेटा भी सेंड कर सकते हैं। कब? अगर मैं मीडिया को क्या कर दूं गाइस, ये मैं सारी कहानी आपको किसकी बता रहा हूं? फास्ट इथरनेट मीडिया की, कि जिस पे एमएसएस भी क्या रहता है 1460 बाइट। यार 1460 में 20 बाइट का टीसीपी हेडर आ जाता है, प्लस 20 बाइट का क्या आता है? आईपी हेडर। ये क्या होता है गाइस? मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा। इतना बड़ा डेटा होता है, इसके साथ दो हेडर लगते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर लेयर टू हेडर कहां गया? लेयर टू हेडर भाई लिंक पे जब ट्रैफिक आता है ना तब लगता है, और जब ट्रैफिक रिसीव होता है तब क्या हो जाता है? रिमूव। तो उसकी कभी भी एमएसएस या एमटीयू में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है जी। जैसे मेरी मुंह से बात निकलेगी तो लगा लो लेयर टू हेडर लग गया, आपके कान पे सुन ली ना आपने, सुनने से पहले क्या हो गया? रिमूव। तो वो तो कहीं बीच में आया ही ना हमारी बातों में। इन अ सिमिलर वे लेयर टू हेडर काम करता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि स्विच ने क्या किया, जिस पोर्ट पे रिसीव करना था उसके अलावा हर पोर्ट पे इसको क्या कर दिया? सेंड। अब 10.1 बात किससे कर रहा था एक्चुअली? 10.2 से। 10.2 ने देखा ये आर्प किसके लिए जनरेट हुई है? मेरे लिए। मुझे इसके लिए क्या करना है? रिप्लाई। तो 10.2 ने इसके लिए क्या किया? जब 10.2 ने रिप्लाई किया तो सोर्स क्या था? डेस्टिनेशन क्या था? सोर्स मैक क्या था? डेस्टिनेशन मैक क्या था? ए। स्विच के पास आया, स्विच के पोर्ट नंबर किस पे हिट किया? लेट से पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर 2 पे हिट किया। स्विच ने कौन से मैक एड्रेस से मैक एड्रेस टेबल बनाई? सोर्स से। सोर्स मैक एड्रेस में क्या था? बी। अब स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है? ए। कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक सेंड कर दिया? पोर्ट नंबर 1 पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक क्या हो गया? यूनिकास्ट। बेनिफिट, स्विच ने ट्रैफिक जनरेट कैसा किया था? ब्रॉडकास्ट। रिप्लाई कैसा आया? दिमाग किसने लगाया? स्विच ने। किसने दिमाग लगाया? तभी तो क्या बोलते हैं स्विच क्या एक इंटेलिजेंट डिवाइस। क्या डिवाइस? स्विच एक, अगर इसी की जगह हब होता, ट्रैफिक जाता भी ब्रॉडकास्ट और आता भी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं। हाँ जी, कॉलिजन प्रिवेंट करता है। ये लो, मैं वैसे बात को यहीं खत्म कर रहा था, आपने पूछा है क्वेश्चन। CSMA/CD ये लगा दिया तेरा एक हब है, इसमें एक यूजर कनेक्टेड है। तो अगर आपको रूल बताओ हब पे, जब एक बंदा सेंड कर रहा है तो बाकी सारे क्या कर रहे हैं? ऐसा होगा ही होगा। अब CSMA/CD क्या करता है? कंप्यूटर के एंड पे चलने वाला है प्रोटोकॉल है, ये पता लगाता है सिर्फ कि मैं हब से जिस लिंक से कनेक्टेड हूं वो लिंक आइडल है या नहीं। अगर वो आइडल होगा तो आप सेंड कर सकते हो, अगर वो आइडल नहीं होगा तो आप सेंड
नहीं कर सकते. इट इज जस्ट अ वे टू प्रिवेंट योर सेल्फ योर डेटा फ्रॉम कॉलिजन. क्योंकि अगर सी एस एम ए सी डी जैसा ना होता कुछ तो कोई और भी सेंड कर रहा है, मैं भी सेंड कर देता, तो हमेशा क्या हो जाती कॉलिजन. तो होता क्या, अगर आप जैसे अब लगा लो आपका कंप्यूटर रिसीव कर रहा है डेटा, ठीक है, आपने गूगल लिखा www.google.com और आपने एंटर हिट मार दिया, तो डेटा किस पे पड़ा रहेगा, होल्ड पे फ्यू माइक्रोसेकंड के लिए, जब तक उसको डेटा क्या हो रहा है रिसीव. जैसे रिसीव हुआ, रिसीव होना बंद हुआ, वो डेटा क्या कर देगा आगे सेंड. ठीक है जी, ऐसे काम करता है आपका सीएसएमए सी. स्विच के केस में चलता नहीं यार, स्विच के केस में जरूरत नहीं होती. अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको आपसे कि कंप्यूटर को पता कैसे चलता है वो स्विच से कनेक्टेड है हब से. कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि भाई उसे अपने एंड पे सीएसएमए सीडी चलाना है या नहीं चलाना, लिख दो भाई कॉपी को. भाई सुन लो यार, ये क्वेश्चन तुम मत ढूंढ ला. स्विच के एंड पे क्या होता है, स्पीड नेगोशिएट होती है, और डुप्लेक्स भी क्या होता है नेगोशिएट, क्या होता है नेगोशिएट. तो कंप्यूटर और स्विच आपस में क्या करते हैं, स्पीड और डुप्लेक्स नेगोशिएट. अगर कंप्यूटर के पास स्विच से पैकेट आ जाते हैं स्पीड और डुप्लेक्स को नेगोशिएट करने के लिए, तो उसे पता चल जाता है सामने डिवाइस कौन है स्विच. अगर कोई पैकेट नहीं आता उसे पता चल जाता है सामने डिवाइस कौन है हब, और वो अपने एंड पे क्या रन कर लेता है सीएसएमए सीडी. हाँ जी, सिर्फ हब के केस में. यार ये जो मैंने एक्चुअली बताया सी ए था. कॉलिजन डिटेक्ट क्या होता है, जब भी कॉलिजन हो जाएगी, लेट से किसी स्विच को पता चलेगा क्या हो गई कॉलिजन, लेट से यार दोनों ने एक टाइम पे सेंड कर दिया तो क्या हो गई कॉलिजन हो गई. कॉलिजन होने के बाद जो स्विच भी कॉलिजन को डिटेक्ट करेगा वो क्या चला देगा, क्या चला देगा, बैक ऑफ एल्गोरिथम. मतलब वो हर स्विच को नेटवर्क में एक मैसेज भेज देगा, हर हब से कनेक्टेड यूजर को नेटवर्क में एक मैसेज भेज देगा, भाई मैं सेंड कर रहा हूँ, कोई और सेंड नहीं करेगा फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ टाइम पीरियड, हमेशा के लिए नहीं. सर आर्क लेफ्ट में भी आर्क पर्टिकुलर अंटेना होता है, राउटर अंटेना होता है. सर देखो आर्क टेबल सिर्फ क्या है, डेस्टिनेशन आईपी के लिए मैक एड्रेस में क्या यूज कर रहा हूँ इसको रिजर्व प्रिजर्व करके रखने का तरीका है. प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के रखना, एक वे है सिर्फ इसको प्रिजर्व करने का. चार घंटा तो होता है आर्क के लिए, हाँ राउटर में भी चार घंटा होता है, फोर आवर्स. सर अगर लेफ्ट टू स्विच पे हम 100 आर्क ऐसे कमांड रन करेगा हाँ? तो आर्क दिखाएगा. बिल्कुल यार, स्विच जब दो यूजर बात कर रहे होते हैं तो स्विच क्या होता है, ट्रांजिट डिवाइस, ठीक है. लेकिन जब स्विच और स्विच बात कर रहे हैं तो दोनों स्विच क्या है, एंड डिवाइस है, तो स्विच को भी क्या जनरेट करनी पड़ती है आर्क. ठीक है भाई, बात करेंगे कि स्विच आर्क किस कंडीशन पे जनरेट करेगा. तो आज के लिए बहुत है इतना, कल स्टार्ट करेंगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, आर्क से स्टार्ट करेंगे.